कल जो सभी दलों की मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी राजनीतिक दलों की, तो बहुत बातें हुई, बहुत चर्चा हुई और हमारी एक मांग थी भाई जो अधिकारी फूड सप्लाईज का आत्महत्या की उसकी भी सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। मैं आभारी हूं कि उसी समय उन्होंने उसको मंजूर किया, लेकिन साथ के साथ अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक स्थिति जो प्रदेश की, उस पर भी चिंता जताई गई थी। तो हमने ये कहा था कि आज जो है हर आदमी, गरीब आदमी है, दुकानदार है, आपका छोटे छोटे दिन के काम है, धंधे हैं, दिहाड़ीदार हैं, रेड़ी वाले हैं, पेड़ी वाले हैं, हर आदमी परेशान है। आज किसान भी परेशान है, आरती भी है, मजदूर भी है, तो इनके लिए राहत के पैकेज बनाए जाए और उसके लिए देने के लिए, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि असली तो तकलीफ उनको है। तो स्टेट बेशक कर्जा लेके इनको राहत दे, आगे सही सामान्य हालात हो जाएंगे तो उतर जाएंगे। लेकिन आज जब मेरे को अखबार पढ़ा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राहत देने की वजह, मतलब गरीब आदमी पर ही टैक्स लग गए। जो कच्चा तेल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो बहुत गिर रहा है और यहाँ वैट बढ़ा रहे हैं, 1.5 रुपया प्रति लीटर डीजल बढ़ा दिया, 1 रुपया पेट्रोल, किसान पर और मार मार दी। सब्जी मंडी में क्योंकि हमारे कोई मार्केट फीस लगती नहीं थी हमारे दिन में। देखिए, हम जो है पहले दिन मैंने कहा था विपक्ष की भूमिका हम कंस्ट्रक्टिव रूप में बिल्कुल समर्थन देंगे जो जनहित में होगा, लेकिन अगर सरकार ऐसी फैसले लेगी तो हम विरोध करेंगे।